नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ, कुवैत के तीन चार टॉपिक पे बात करेंगे। भाई कुवैत में जो रहने वाले हैं, पीसीआर टेस्ट की रेट कम कर दी गई है, जो प्राइस थी वो पहले ज़्यादा थी उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक अपना ये रहेगा कि वर्करों को काफ़ी सा जगह पर तनख्वाह नहीं मिल पाती है, कोविड की वजह से बहाना बना लेती है, तो एक कंपनी को 150 वर्करों को पूरी तनख्वाह देनी पड़ी, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे कि कुवैत में कितने लोगों ने पिछले साल में जॉब छोड़ा है, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, आगे आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, और कितने लोगों को हर रोज डिपोर्ट किया जाता है कुवैत से। जी हाँ, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें कुवैत में पीसीआर टेस्ट, आपको पता है साथियों आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है, जिसकी अगर फर्स्ट में अगर बात करें तो कम से स्टार्टिंग में 40 KD, जी हाँ, अगर आप टेस्ट करवाते तो 40 KD आपको भरना पड़ता था। उसके बाद में सितंबर 2021 में इसको 14 KD कम कर दिया गया, जी हाँ, और अभी की अगर बात करें लेटेस्ट में 2022 अगर जनवरी की बात करें तो मात्र 9 KD, अगर इंडिया के देखे जाएं तो 1500-1600 रुपए बन जाते हैं, और इतना तो इंडिया में तो भाई और भी सस्ता है, 250-300 रुपए में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है, बाकी फ्री में भी हो जाता है, आप सबको पता ही है। जी ये है पीसीआर टेस्ट से रिलेटेड। बाकी जनवरी से सबको बूस्टर डोज लेना अनिवार्य है, जिनको समय पूरा हो चुका है, आप सबको पता है अगर आप कुवैत में रहते हैं तो। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मेन टॉपिक अपना यहाँ पे ये है कि कोविड-19 की वजह से आपको सबको पता है भाई बहुत सारे लोगों को कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, बहुत सारे लोगों को जॉब छोड़ना पड़ा, ऐसे ही आना पड़ा। 150 वर्कर थे, खाद्य पदार्थ यानी भोजन से खाने वाले प्रोडक्ट वहाँ पे कंपनी में प्रोटेक्शन होता था, उसमें 150 वर्कर थे और भाई कंपनी ने उनको तनख्वाह नहीं दी। अब उन्होंने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट ने अभी फैसला दिया है जनवरी 2022 में कि उनको जितने भी बंदे हैं सबको तनख्वाह देनी पड़ेगी 1,20,000 KD, जी हाँ, जितनी तनख्वाह है, प्लस उनको टिकट भी कंपनी की तरफ से दिलवाया गया है। जी हाँ, ये कंपनी को आदेश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति है कि भाई आपकी कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है, बहुत सारे बंदे हैं, तो बिल्कुल आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट में अगर जाएंगे तो कंपनी को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, प्लस आपका जो भी उतना नुकसान हुआ है ना वो भरपाई वहाँ से हो जाएगी। तो आप ये चाहें तो ऑप्शन कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं साथियों, कुवैत में रोज़ कितने बंदे निकाले जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जी हाँ, आप यकीन मानिए पिछले साल अगर 2021 में बात करें तो 18,221 बंदों को निकाला गया। जी अगर एवरेज देखा जाए तो महीने के 1500 बंदे बनते हैं, पर डे 50 बंदे, जी हाँ 50 बंदों को निकाला जाता है। अगर इनमें बात करें तो जो पुरुष थे 11,177 पुरुष थे उनको निकाला गया, और 7,044 महिलाएं थी उनको निकाला गया। अब आप सोचोगे यार इनको क्यों निकाला गया, इनका क्या रीज़न है, तो लगभग तो इनका रीज़न यही था कि भाई इनलीगल, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं, वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते, या उनको वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो जब वो पकड़ में आते हैं तो पुलिस इनको पकड़ के आपको पता है डिपोर्ट करती है, फिर बैन लग जाता है। दूसरा, जिनके वीज़ा नहीं होने के साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदमाशी वहाँ पे की थी, लड़ाई झगड़े करना, बदमाशी, गाली गलौज, पुलिस केस वगैरह बन जाता है। लॉकडाउन में जो उल्लंघन किया, बहुत सारे लोगों ने उल्लंघन भी किया था, उनका गलत आचरण था, पुलिस में उनकी FIR हो चुकी थी, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे जेल में डालते हैं थोड़े समय के लिए, फिर उनको उनके देश में रुख्सत कर दिया जाता है कि भाई अब लाइफ में तू कभी दोबारा इस देश में मत आना, लाइफ टाइम का बैन लगा के। जिनके ऊपर पुलिस केस हो जाता है, आप यकीन मानिए वहाँ से आप उस देश में आप दोबारा नहीं जा सकते। जी हाँ, आप मान लीजिए इलीगल हैं, वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कंपनी छोड़ दी, भाग गए, तो एक लिमिटेड टाइम होता है 2 साल से 5 साल तक का, वो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है, मिनिमम 5 साल नॉर्मली सब लोगों के बैन लगता है, उस पर आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति केस होने के बाद में आप उस देश में बिल्कुल नहीं जा सकते। इस बात की सावधानी रखनी है कि पुलिस केस बिल्कुल ना लगे। जी हाँ, आगे हम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे साथियों की 2021 में, जी हाँ, कितने लोगों ने जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ी, क्या रीजन था, अभी वहां पे क्या स्थिति है। जी 2,50,000 एवरेज फिक्स है भाई, आंकड़े होते हैं आप सबको पता है, क्योंकि आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपका रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड के आधार पे पता लग जाता है। 2,50,000 लोगों ने कुवैत में नौकरी छोड़ दी, इसका सीधा सीधा रीज़न हम कोविड मानते हैं। जी वरना इतने लोग जॉब नहीं छोड़ते, जिनकी मजबूरी थी, छुट्टी आ गए थे, वापस नहीं जा पाए, बहुत सारे रीज़न हो गए, वीज़ा एक्सपायर हो गए, और बहुत सारे आप सबको पता है जो कुवैत लोग रहते हैं। जी हाँ, 2,50,000 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। जी हाँ, जिनमें निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो
5000 लोग निजी क्षेत्र में थे। निजी का मतलब आप लोग जो काम करते हैं वो निजी क्षेत्र में आता है, गवर्नमेंट में नहीं आता है। 7000 लोग सार्वजनिक क्षेत्र में थे, यानी आप मान सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थे। 41200 आदमी, जी हाँ 41200 वर्कर घरेलू जॉब में थे, वो भी आपको पता, आप जैसे आए कुछ रीजन होने की वजह से छोड़ दिया, वापस नहीं जा पाए। एक बात को आपको पता होना चाहिए, कुवैत में अभी घरेलू नौकर जो होते हैं ना, घरेलू कामगार, उनकी सख्त जरूरत है, मारामारी है भयंकर तरीके से, उनको वर्कर नहीं मिल पा रहे क्योंकि कोविड की वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, जो लोग आए वापस नहीं जा पाए, वीजा वगैरह बंद हो गया था। लेकिन एक कंपनी बंद है तो उसको जरूरत नहीं है वर्करों की, लेकिन जो लोग घर में है उनको वर्करों की जरूरत है, और जो लोग चले गए वो वापस नहीं आए, तो आपको पता है फिर ये चीजें ज्यादा बढ़ गई, मांग उनकी ज्यादा हो गई। तो अभी वीजा वगैरह ओपन है, आप सबको पता ही है, और सीधा सीधा रीजन ये कोविड 19 की वजह से पूरा खेला हो गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई थी। भारी कमी वर्करों की है, हालांकि अभी वीजा स्टार्ट हो गए हैं तो धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो भाई ट्राई कर लीजिए अपने एजेंट नियर मैनपावर ऑफिस के द्वारा, बाकी तो जाना नहीं है कहीं पर भी। हकीकत ये बताएं, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि सरकारी जो विभाग है ना, आज भी खाली पड़े हैं पद, उनके पास वर्कर नहीं है। जी हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब हैं वहाँ पर भी लोगों के लिए जॉब हैं वो खाली पड़े हैं, लेकिन अभी तक पूरे भरे नहीं गए हैं कोविड की वजह से। जी हाँ, बड़ी बात इसमें, सबसे बड़ी बात क्या है भाई, बता दूं 23,000 कुवैती जो लोकल लोग हैं उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब 23,000 लोगों ने, लोकल कुवैती थे उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब आपका पता कट गया 23,000 लोगों का था। ये सरकारी क्षेत्र में है, जी हाँ सरकारी क्षेत्र में 23,000 लोगों ने जॉब ज्वाइन कर लिया। अगर इसको आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 27 लाख वर्कर हैं जो विदेशी हैं, बाकी 16.2% हैं जो कुवैती लोग हैं वो काम करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा घरेलू नौकर है भाई, 6,40,000 इसमें घरेलू नौकर हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। 29% का आंकड़ा देखा जाए कुवैत में, तो सबसे ज़्यादा जो घरों में कामगार होते हैं, वर्कर होते हैं वो है। जी हाँ, अभी भी बता दूं 21,000 कुवैती लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ उन्होंने, जैसे इंडिया में लोग करते हैं भर्ती के लिए अप्लाई। जी हाँ, 21,000 कुवैती हैं वो अभी भी पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको गवर्नमेंट सरकार जॉब कब देगी वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। जी हाँ, अब यहाँ पे सोचने की बात है भाई, सबके सब, इनमें से जो 21,000 है ना, उनमें से 10,000 लोग निजी क्षेत्र में जाने वाले हैं। जी, अब निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो लोग प्रवासी हैं, विदेशी हैं, आप लोग हैं, आप निजी क्षेत्र में जाते हैं काम, गवर्नमेंट में तो आप कहाँ जाते हैं, बहुत थोड़ा सा 1-2% लोग होते हैं। जो 10,000 लोग, ये आपका पत्ता काट देंगे, यानी आप यकीन मानिए 23,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 10,000 लोग इनमें से भी आने वाले हैं निजी क्षेत्र में, तो आप समझ सकते हैं कि 33,000 लोग अगर कुवैती हैं वो जॉब लग जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं आपका तो पत्ता साफ हो जाएगा, आप इस बात को मानते हैं। तो ये हकीकत है कुवैत के बारे में। धीरे धीरे देखिए, कुवैत के बारे में बहुत सारे वीडियोज पहले भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मैंने भी 1-2 वीडियो बनाए थे कि कुवैती हर सेक्टर में निजीकरण करने जा रहा है। निजीकरण का मतलब अपने लोगों को अच्छे पदों पर बिठा दो। पहले तो क्या होता है, ठीक है सिस्टम आ रहा है, चला रहे हैं, पैसा तेल का सब आ रहा है, लेकिन अभी भाई एजुकेटेड हो गए लोग, पढ़ लिख के, तो उनको पता लग गया कि जॉब करना जरूरी है, तो फिर वो जॉब करेंगे, तो फिर आपका जो, आपको जॉब कब मिलेगा। हालांकि जो लगभग 80% लोग तो वो हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में या छोटे मोटे जॉब करते हैं, जिनकी छोटी 100, 200, 250, 300 के डी तनख्वाह है, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बड़े पदों की जॉब है ना, जिसमें 1,000 दिनार तनख्वाह, 1,500 दिनार तनख्वाह, उनको दिक्कत आएगी क्योंकि वो आपकी जगह ले लेंगे। तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था, कुवैत से रिलेटेड 3-4 अपडेट मैंने बताई हैं। आगे भी हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, जानकारी अच्छी अच्छी देते रहेंगे। नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन जैसे वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय